मेरे नौजवान साथियों, अध्यक्ष महोदय, संचालक कमेटी, ये दूसरा दिन है। कलाकार आपके बीच में अपनी कलाकारी पेश करते हुए जा रहे हैं, आप लोग सुन रहे सुनेंगे। पर देखिए, कवि ने अपनी कलम को उठाया और कवित में क्या लिखा। कसूवर के बारन की, कसूवर के बारन की कुछ बन रतन रदे, और तेरा जे ओम मस्त प्राण ना काउ काम को, कहत ध्वज तुहि राम जो धर्मशीलता को त्यागे, तो तेरो मोलू ऐसुना जैसे पान पान कहा। अरे बंदे, समय थोड़ा है, आप हजरत ध्यान लगाएंगे। आज कौन का दिया था, एक लाख घरे बनवा के तैयार करता है। कहा कि तुम पांचो पांडवा छठवी मां तुम्हारी कुंती ऐसे लाखा ग्रह में रहो। आज उसो रहे लगे, मौका पाकर वो दुर्योधन उस लाखा ग्रह में आग लगा देता है। आज में सुरंग है, उस सुरंग के द्वारा पांचों पांडवा माँ कुंती से जंगल में जा रहे हैं। देखा एक बरगद का पेड़ है, अच्छी छाया है, पांचों पांडवा सो रहे हैं, माँ कुंती बैठी है। माँ कुंती कहती है कि कितने पाप किया जन मैंने, कितने पाप किए जन मैंने, जाते कष्ट उठा रही और देख देख बेटी की सूरत तोरे आत्मा खाए रही। सो बेटी सोच करे जंगल में पंड भूप की नारी और फूटी तकदीर तकदीर, कल्ले बेटी को सिंह बनी में डोले और वो अंधो बेईमान जहर अमृत में डोले। सो कर रही हृदय विचार, पिता की मारी फिरूपा सोए गए कृष्ण। हे गोविंद, ऐसी मौत से कौन सी भूल हो गई, कौन सा पाप बन गया, पर किस प्रकार से, और माँ कुंती क्या करने लगी, सा क्या कह रही है सुनाएंगे। पति के आज मेरी डूब गई है
मार्शल साहब जी लालपुर निवासी, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। क्यों मा
माँ कुंती रो रही है, कह लगी हे गोविंद आकर के हमारी रक्षा करो, अगर तुम्हारे पिता मौजूद होते तुम्हारे ऐसा साथ में नहीं होता। पर क्या कहा, माँ कुंती रो रही है और क्या कह रही है, अभी आपको भूपेंद्र बता रहे थे कि चौक, आप चौक सुनेंगे उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। क्यों, अरे बेटन की ओर निहारे, यही बात है भैया, हो रे ने उस घोड़े को पकड़ लिया जो अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा था। आज राम उस घोड़े को छुड़ाने के लिए गए और जब सीता जी को देखा तो राम के नेत्रों में आंसू आ गए। और किस प्रकार से सुनाएंगे, राम
और सीता जी के जवाब कैसे हुए और क्या हुआ, सुनने लायक बात है। लौट चलो सीता, हे सीते। पर सीता क्या कह रहे हैं, अरे कियो ना विश्वास, कियो ना विश्वास दियो मोकु बनोबास, हे सात फेरों की सारी रसम बिसार गई, त्यारे सुख चैन में दुखियों की रहन में, हे नाथ इतनो भड़ायो प्यार रावण कुदी हो मार, पत्थर की नार को अहिल्या हूं तार दई, मैंने नहीं किया पाप त्यारा ही कियो है जाप, या धोबी के कहवे से मैं घर से क्यों बना के क्यों बिगाड़ा रे। सीता जी कह रही है बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, क्या मुसीबत उठाई कितनी बनोबास जाके, मुसीबत उठाई कितनी बनोबास जाके, जवाब दिया है मुसीबत उठाई कितनी बनोबास जाके, ऐसा मुकेश भाई साहब की तरफ से 50 रुपया और बदर भाई साहब की तरफ से 50 रुपया, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। मुसीबत उठाई कितनी बनोबास जाके, बन बन भटकाए मिर्गा बता के, बन बन भटकाए मिर्गा बता के, क्यों मिलन आज तक है क्यों, जवाब दिया मुसीबत उठाई कितनी बनोबास जाके, बन बन भटकाए मिर्गा बता के, जुदा कर गई हमको रावण की भिक्षा, जुदा कर गई हमको रावण की भिक्षा, क्यों बहती रही मेरे आंसुओं की धारा, है बहती रही मेरे आंसुओं की धारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, रे 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 हो, क्या क्या कहा। मैं पंचकमंड से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट आपके जरूर बिगाड़ूंगा, कुछ भी समझे, क्या कहा, पति धर्म मैंने पल पल निभाया, फिर भी हटाना सर से कर जिसका साया, क्या कहा, लेते रहोगे मेरी कब तक परीक्षा, मुझको मेरी
मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा हो, 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 हो। क्या कहा? जवाब दिया है माँ जान की जवाब करती है मन की मुराद मन से कह ना सकी मैं और चैन से अबद में स्वामी रह ना सकी मैं क्या कहा लेते रहोगे मेरी कब तक परीक्षा लेते रहोगे मेरी कब तक परीक्षा बचन आपका मैंने कब पिया तारा मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा हो, 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 हो। अंतिम पंक्ति में कहा है भैया रोहतास बहरन की बगिया हमेशा खिलेगी पहरन ये बगिया बगिया हमेशा खिलेगी खिलेगी अब इस जन्म में तुमको सीता ना मिलेगी अब इस जन्म में तुमको सीता ना मिलेगी जो अनुपार कहते सागर ये गुरु की शिक्षा लिखते ही मोहब्बत प्रीतम प्यार ना बिचारा ऐ कुल हो गया है मेरे किस्मत का